टाइटल। एक समय की बात है, घने जंगल के बाहर एक लकड़हारा रहता था। उसके दो बच्चे थे जिनका नाम था हैंसल और ग्रेटल। लकड़हारा अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था, पर उनके सौतेली माँ को वो दोनों बच्चे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। मुझे इन बच्चों से कब छुटकारा मिलेगा? एक दिन बच्चे अपने कमरे में खेल रहे थे, तब लकड़हारे की बीवी ने उनसे कहा, सुनिए, इन थोड़े पैसों में हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा। ऐसा करते हैं, बच्चों को जंगल में छोड़ाते हैं। क्या जंगल? अब पर बच्चों की सौतेली माँ ने ये फैसला कर लिया था कि जैसे ही लकड़हारा बाजार के लिए निकल जाएगा, वो बच्चों को जंगल में छोड़ाएगी। हैंसल अपने सौतेली माँ के शब्द सुनकर दुखी हो जाता है, पर जल्द ही उसे एक तरकीब सूझती है। चतुर हैंसल ने अपने घर के पास पड़े हुए चमकीले पत्थरों को इकट्ठा किया। इन चमकीले पत्थरों की मदद से हम अपने घर वापस आ सकते हैं। जैसे ही दूसरे दिन लकड़हारा बाजार के लिए निकल पड़ा, सौतेली माँ दोनों बच्चों को लेकर जंगल के लिए निकल जाती है। घने जंगल से चलते चलते हैंसल चमकीले पत्थर जमीन पर गिराता रहता है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम थक गए क्या? तुम दोनों यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए थोड़े फल लेके आती हूँ। पूरा दिन बीत गया, पर बच्चों की सौतेली माँ वापस नहीं आई। मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराओ मत, हम चमकीले पत्थरों के सहारे जरूर घर पहुंच जाएंगे। दोनों बच्चे घबराए हुए रास्ते से चल पड़े, पर चमकीले पत्थरों ने उन्हें सही सलामत घर पहुंचा दिया। ये वापस कैसे आ गए? कुछ दिन बाद बच्चों की सौतेली माँ उनसे कहती है, बच्चों, चलो आज हम जंगल में घूमने चलते हैं। आज तुम्हें ऐसी जगह छोड़ूंगी कि तुम कभी वापस नहीं आ सकते। चलो चलो, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने खाने का सामान भी ले लिया है। हैंसल और ग्रेटल को अपनी सौतेली माँ की चालाकी के बारे में पता था। ग्रेटल बहुत ही डरी हुई थी, पर हैंसल ने उसे हिम्मत दी। हैंसल ने रोटी का टुकड़ा लिया और रास्ते में फेंकता रहा, पर जंगल के पंछियों ने वो रोटी के टुकड़े खा लिए। अब दोनों बच्चे घर वापस नहीं जा सकते थे। हैंसल, मुझे बहुत डर लग रहा है। रो मत ग्रेटल, कुछ नहीं होगा, हम घर वापस जरूर जाएंगे। हैंसल और ग्रेटल जंगल में रास्ता ढूंढ रहे थे। एकाएक उन दोनों को एक घर दिखा जो चॉकलेट से बना हुआ था। बिना वक्त जाया किए वो दोनों बच्चे उस घर की तरफ भाग निकले। हैंसल और ग्रेटल ने पेट भर के चॉकलेट्स खाए। ये चॉकलेट्स कितने स्वादिष्ट है। हैंसल और ग्रेटल चॉकलेट्स खाने में मग्न थे। वो दोनों बच्चे खतरे से अनजान थे। चॉकलेट के घर का दरवाजा खुला और एक बूढ़ी औरत बाहर आई। कैसे हो बच्चों? अंदर आ जाओ और आराम से बैठकर भरपेट खाना खा लो। वो बूढ़ी औरत एक दुष्ट जादूगरनी थी। दोनों बच्चे उस घर में कैद हो गए थे और उनके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें।
अब मैं तुम्हें कैद करके रखूंगी और फिर बाद में खा जाऊंगी। और तुम नन्ही लड़की, मेरे घर की साफ सफाई करना शुरू कर दो जल्दी। जादूगर ने जब जादुई मिश्रण बनाने में व्यस्त थी, तब ग्रेटल को एक विचार आया जो उन दोनों को उस घर से बाहर निकल सकता था। बिना आवाज किए ग्रेटल जादूगरनी की ओर चल पड़ी और इससे पहले कि जादूगरनी को कोई शक हो, ग्रेटल ने उसे धक्का देकर उस जादुई मिश्रण में डुबो दिया। अब दोनों बच्चे जादूगरनी की चंगुल से मुक्त हो गए थे। ग्रेटल ये देखकर खुश हो गई कि हैंसल अब कैद में नहीं था। अरे वाह, कितने सारे सोने के सिक्के हैं। हम इनमें से थोड़े ले लेंगे और पिताजी को दे देंगे। और आखिरकार बच्चों को अपने घर का रास्ता मिल ही गया और वो दोनों अपने घर की ओर चल दिए। जैसे ही वो घर पहुंचे, उनके पिताजी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने दोनों को गले लगा लिया। उनकी सौतेली माँ ने उनसे माफी मांगी। बच्चों ने सोने के सिक्के अपने पिताजी को दे दिए। इसके बाद पूरा परिवार हंसी खुशी से रहने लगा। लिटिल रेड राइडिंग हुड। बहुत समय की बात है, दूर देश में एक छोटा सा गांव था जहां एक नन्ही सी लड़की रहती थी जिसका नाम था रेड राइडिंग हुड। उसके पिछले जन्मदिन पर उसकी दादी माँ ने उसे एक लाल रंग का कंटोप उपहार में दिया था। अरे वाह, शुक्रिया दादी माँ। उस नन्ही बच्ची को वो कंटोप इतना पसंद था कि वो जहाँ भी जाती उसी को पहन कर जाती थी। इसीलिए उसे प्यार से सब रेड राइडिंग हुड बुलाते थे। एक दिन उनको दादी माँ के बीमार होने की खबर मिली। तुरंत ही उसकी माँ ने दादी माँ के लिए चिकन सूप और रोटी बनाई। उसे एक टोकरी में डालकर वो टोकरी माँ ने रेड राइडिंग हुड को दी और उससे कहा, याद रखना रेड, जंगल से गुजरते वक्त सीधे रास्ते पर चलते रहना। कोई अजनबी मिले तो उससे बात मत करना। हाँ माँ, मैं सीधे दादी माँ के घर ही जाऊंगी। बाय बाय। प्यारी सी धुन गुनगुनाते हुए नंदी रेड राइडिंग हुड जंगल के रास्ते जा रही थी। तभी उसकी टोकरी से निकलने वाली मजेदार खुशबू ने एक पेड़ के नीचे सो रहे भेड़िये को जगा दिया। एक नन्हा शिकार, लेकिन ये जा का रहा है। कैसी हो प्यारी बच्ची, क्या तुम मुझे ये थोड़ा सा स्वादिष्ट खाना चखने को दोगी? मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये नहीं दे सकती। ये सूप मैं अपनी बीमार दादी माँ के लिए लेकर जा रही हूँ जो अकेली रहती है। आप ये सेब ले सकते हो। दादी माँ अकेली रहती है तो पहले दादी माँ को निगलते हैं और बाद में इसे, लेकिन तब तक इसे रोकना होगा। अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। मुझे पता है कि तुम्हारी बीमार दादी माँ कैसे ठीक हो सकती है। सच में? पर कैसे, क्या आप मुझे बता सकते हैं? वह जो तुम स्ट्रॉबेरीज देख रही हो, उनमें जादुई शक्ति है। उनमें से थोड़ी अपनी दादी माँ के लिए ले जाओगी तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। अरे वाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी जाकर थोड़ी सी ले लेती हूँ। चलो पहले दादी माँ के घर चलो। नन्ही रेड अपनी दादी माँ के लिए रसीली स्ट्रॉबेरीज चुन रही थी, तभी भेड़िया वहाँ से दादी माँ के घर की ओर भाग निकला। उसने सोच लिया था कि वो पहले दादी माँ और फिर रेड राइडिंग हुड को निगल जाएगा।
जैसे ही भेड़िया दादी माँ के घर पहुँचा, उसने देखा कि दादी माँ पलंग पर आराम से सो रही है। क्या आराम से लेटी है? कौन? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें और तुम्हारी पोती को एक साथ निगलने। चले जाओ यहाँ से। गाना गुनगुनाते हुए रेड राइडिंग हुड अपने दादी माँ के घर पहुंची, पर जैसे ही वो अंदर गई, अपनी दादी माँ को देखकर थोड़ा सा चौंक गई। वो उनके बेड के पास आई और उनसे पूछा, अरे आपकी आंखें इतनी बड़ी क्यों है दादी माँ? ताकि मैं तुम्हें अच्छे से देख सकूं मेरी बच्ची। और आपकी आवाज इतनी भारी क्यों लग रही है? ताकि मैं तुम्हें अच्छे से बुला सकूं मेरी बच्ची। और आपके हाथ इतने बड़े क्यों हैं? ताकि मैं तुम्हें अच्छे से गले लगा सकूं। हाँ? और आपका मुंह इतना बड़ा क्यों? ताकि मैं तुझे पूरा निगल जाऊं। नन्ही रेड राइडिंग हुड और दादी माँ को निगलने के बाद दुष्ट भेड़िया दादी माँ के बेड पर आराम से सो गया और जोर जोर से खर्राटे मारने लगा। एक लकड़हारा दादी माँ के घर के पास से गुजर रहा था, तभी वो घर से आने वाली अजीब खर्राटों की आवाज सुनकर रुक गया। उसे समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है और वो तुरंत ही दादी माँ के घर के अंदर चला गया। अरे, ये दुष्ट भेड़िया दादी माँ के बेड पर क्यों सो रहा है और इसका पेट इतना गुड़गुड़ क्यों कर रहा है? अरे नहीं, इसने कहीं दादी माँ को तो नहीं निगल लिया। अब इस दुष्ट भेड़िये को एक अच्छा सबक सिखाता हूँ। लकड़हारे ने भेड़िये का पेट चीर कर दादी माँ और रेड राइडिंग हुड को सही सलामत बाहर निकाल लिया। लकड़हारे ने उसके पेट में एक बड़ा सा पत्थर डाल दिया और दादी माँ ने उसका पेट सी दिया। ओ दादी माँ, मैं कितना घबरा गई थी। इस दुष्ट भेड़िये ने आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? मेरी प्यारी बच्ची, मैं ठीक हूँ और तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद तीनों चुपचाप छिप गए और भेड़िये के बाहर आने का इंतजार करने लगे। भेड़िया अपनी नींद पूरी करके उठ गया। उठने के बाद उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई थी। अरे, मेरा पेट इतना भारी क्यों लग रहा है? पत्थर का भार भेड़िया ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाया और फिसलकर नदी में जा गिरा और डूब गया। बाय बाय दुष्ट भेड़िये। नन्ही रेड राइडिंग हुड ने अपने दादी माँ से ये वादा किया कि वो कभी भी किसी अजनबी से बात नहीं करेगी। उसने लकड़हारे का भी शुक्रिया अदा किया और फिर उन तीनों ने हंसी खुशी एक साथ पूरा दिन गुजारा और मजे से साथ बैठकर चॉकलेट केक खाया। मुझे और दादी माँ को बचाने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस स्टोरी को लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।